सभी किसान भाइयों को कृष्णानंद तिवारी का सादर प्रणाम। दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर आज चल रहा है आंदोलन केवल किसान आंदोलन नहीं है, बल्कि संपूर्ण देशवासियों का आंदोलन है। ये आंदोलन मजदूरों का भी है, व्यापारियों का भी है, हिंदुस्तान के हर इंसान का आंदोलन है। क्योंकि आज जो हमारी मौजूदा सरकार है उससे हर व्यक्ति त्रस्त है। इस आंदोलन में अब तक हमारे तकरीबन 300 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए हैं। आज जो स्थिति है उस पर मैं कुछ दोहे पढ़ना चाहूँगा। आँखों से आंसू नहीं आज बह रहा खून, आँखों से आंसू नहीं आज बह रहा खून, सत्ता का रुख देखकर तीनों कृषि कानून। और जो हमारे 300 से ज़्यादा शहीद किसान अब तक शहीद हो चुके हैं, मैं कहना चाहूँगा कि अश्रुपूरित श्रद्धांजलि करें आप स्वीकार, अश्रुपूरित श्रद्धांजलि करें आप स्वीकार, कितना कुछ करके गए, बहुत बहुत आभार। मित्रों, चाहे हमारे देश में शहीद होने वाला किसान हो, मजदूर हो, या हमारे सीमा पर खड़ा हुआ सैनिक हो या शहीद हो, जब वो शहीद हो जाता है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसे याद रखें। अमर शहीदों को नमन, अमर शहीदों को नमन, रखें सजो कर याद, अमर शहीदों को नमन, रखें सजो कर याद, उन सब के बलिदान से हम सब हैं आज़ाद। और मित्रों, सीमा पर केवल एक सैनिक नहीं शहीद होता, या जैसे आज हमारे बॉर्डर पर जो एक किसान शहीद हुआ, सिर्फ वो किसान अकेला नहीं शहीद हुआ, उस किसान के साथ उसका पूरा परिवार शहीद हो जाता है। घर पर बूढ़े बाप माँ, घर पर बूढ़े बाप माँ, पत्नी बच्चे प्यार, सीमा पर सैनिक नहीं मर जाता परिवार। इतनी बड़ी त्रासदी हो जाती है दोस्तों, जब एक व्यक्ति शहीद हो जाता है उसका पूरा का पूरा परिवार समाप्त हो जाता है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे 300 किसानों के शहीद हो जाने के बावजूद भी हमारे सत्ता के शीर्ष नेतृत्व पर बैठा हुआ व्यक्ति एक भी शब्द नहीं बोला। इससे अधिक संवेदनहीनता और क्या हो सकती है। उनको ऐसा लगता है कि मतलब वो जो चाहे गई होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। किसानों का जो है आंदोलन पिछले 3.5 महीने से अनवरत चल रहा है, इसके बाद अंदर तक सरकार हिली हुई है। यह अलग बात है कि वह इसको मतलब प्रदर्शित नहीं करना चाहती, लेकिन सच्चाई से तो सर वह भी वाकिफ हैं कि आज इस आंदोलन का समर्थन सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, बल्कि लोग विदेशों से भी कर रहे हैं। और सरकार का एकमात्र संकल्प है इस आंदोलन को किसी तरह से समाप्त कर देना, आंदोलन को बदनाम करना और किसी तरह आंदोलन को समाप्त कर देना। वह चाहते हैं कि हमारे किसान भाई थक जाएं और थक कर अपने आप यहां से चले जाएं। लेकिन शायद उन्हें किसानों के जज्बे का अंदाज़ा नहीं। ये वह धरती पुत्र हैं जो माघ और पूस के महीने में अपने खेतों की सिंचाई करते हैं, कितनी भी ठंड हो। तो ना तो इन्हें सर्दी से कोई फर्क पड़ा है, ना ही गर्मी से कोई फर्क पड़ेगा। ये लोग अपने आंदोलन को शांतिप्रिय ढंग से चलाते रहेंगे और एक ना एक दिन सरकार को झुकना पड़ेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, हर मुश्किल का हल निकलेगा, कोशिश करते रहिएगा तो पत्थर से भी जल निकलेगा। और ये बात सरकार बखूबी जान गई है कि उसके बस का नहीं है कि आपके आंदोलन को तोड़ सके। जब आपने हमने सारा का सारा मतलब सर्दी का मौसम यहाँ बिता दिया, उन्होंने पानी की बौछार करवाई, क्या क्या नहीं किया। बॉर्डर पर उन्होंने देखिए किस तरह से मतलब किले तक गड़वा दी थी। उनके किले गड़वाने की मंशा जानते हैं दोस्तों क्या थी। बड़ी बड़ी किले सड़कों पर उन्होंने जब गड़वाया था तो उनको ये लगता था कि ये देखकर हमारे किसान भाई डर जाएंगे। वो आपके दिल में दहशत पैदा करना चाहते थे कि इन बड़ी बड़ी किलों पर उठाकर किसान भाइयों को फेंक देंगे, इस दहशत से किसान मर जाएंगे। मैंने लिखा था दोस्तों कि सरकार वही कर रही है जो कभी जनरल डायर ने किया था। जनरल डायर ने क्या किया था, जलियांवाला बाग में बहुत सारे किसान इकट्ठा हुए थे,
रास्ता बिल्कुल सकरा था और कोई रास्ता नहीं था। मैंने तो सरकार को यहाँ तक कह दिया था कि सरकार यही करना चाहती है, किले ठोक दिया बॉर्डर को, मतलब रेलिंग कर दी ताकि हमारे किसान भाई वहाँ से भाग न जाएं। और लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहूँ दोस्तों कि सरकार की संवेदनशीलता भले मर गई है, लेकिन हमारे देश का जो सैनिक है, हमारे देश का जो पुलिस का जवान है, जो यहाँ बॉर्डर पर खड़ा हुआ है और सीमाओं पर खड़ा हुआ है, उसकी संवेदनशीलता अभी तक जिंदा है। वह हमारे देश में जितने भी जवान हैं, जितने भी पुलिस के जवान हैं, सेना के सैनिक हैं तो अल्टीमेटली वह मजदूरों और किसानों के ही बेटे, वह हमारे आपके ही तो बेटे हैं। हमारे देश में 543 सांसद हैं और तकरीबन 4100 विधायक हैं। क्या इनमें से इनके भी बेटे सेना में हैं? क्या इनके बेटे भी फौज में भर्ती हैं, पुलिस में हैं? बिल्कुल नहीं है। अगर हैं तो बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर है, उन्हें ना तो बॉर्डर से कोई मतलब है, ना उन्हें कहीं धूप में खड़ा होने की आवश्यकता पड़ती है। तो जो हमारे यहाँ बॉर्डर पर खड़े हैं, इन्होंने खुलकर सरकार से कह रखा है कि हम अपने इन किसान भाइयों पर प्रहार नहीं करेंगे। और अगर उन्होंने ऐसा नहीं कहा होता तो मैं दावे के साथ कहता हूं जो देश की हमारी सत्ता है वह अब तक कब का हमें मार कर अधमरा कर चुकी होती। लेकिन मैं इनको सलाम करता हूं, इनके जज्बात को। मैं बात कैसे कह रहा हूं, मैं किसान आंदोलन जब से शुरू हुआ हमेशा आता हूं, मैं अपनी कविताएं इन अपने सैनिकों को भी सुनाता था, अपने पुलिस भाइयों को भी सुनाता था, लोग बहुत खुश होते थे। मैं उनसे भी कहता था, भैया अगर मान लो कल को सरकार का आदेश आ जाए तो, बोले भाई देखो हम लोग नौकरी तो कर रहे हैं लेकिन हमने भी सोच रखा है कि हमने भाइयों पर इस तरह प्रहार नहीं करेंगे। और इस बात से वह लोग भी बखूबी वाकिफ हैं कि यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वह इसलिए बैठे हैं कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वह नेस्त नाबूद ना हो जाएं। सरकार ने ये जो तीन काले कृषि कानून हम पर थोपे हैं, सरकार का एकमात्र लक्ष्य है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वह पूरी तरह से नेस्त नाबूद हो जाएं। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, यहाँ अगर मान लो 2, 4, 10, 20 आदमी होते तो ये कहा जा सकता था कि ठीक है वो समझ नहीं पा रहे। क्या ये जो लाखों लाखों किसान बैठे हैं बॉर्डर पे, इन्हें नहीं पता भैया कि काले कृषि कानून क्या हैं? और ये हमेशा मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो आदमी जिसके पास 303 सांसद है वो हमेशा ये कहता कि भाई 45 सांसदों वाली कांग्रेस किसानों को भड़का रही। अरे भाई 45 सांसदों वाली कांग्रेस अगर भड़का रही है तो आपके 303 सांसद क्या कर रहे हैं भाई? वे आकर क्यों नहीं समझाते भैया कि इसने मतलब क्या कमी है? वो अगर उनके अंदर गुर्दा है, उनके अंदर दम है तो समझाएं। हमारे वहां पर जाके मीडिया के चैनलों में दिखाया जाता है कि किसान भाई जवाब नहीं दे पाते, और यहाँ आकर जब हम किसानों से पूछते हैं तो हमारे किसान भाई कहते हैं कि सरकार हमारी बात को सुनती है और हमारी बात का जवाब नहीं दे जाती। मैं तो कहता हूँ कि हमारे किसान भाइयों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच में जो वार्तालाप होता है उसको मीडिया के सारे चैनल लाइव प्रदर्शित करें ताकि 130 करोड़ हिंदुस्तानी देखे कि कौन झूठा है और कौन सच्चा है। आज क्या है मित्रों, हमारे देश का जब एक मजदूर आदमी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, सबके सब सरकार से त्रस्त हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वो लोग डर के मारे कुछ बोल नहीं पाते। अगर बोलते हैं तो पता है क्या, उन्हें देशद्रोही करार कर दिया जाता है कि भाई आप तो देशद्रोही हैं। मैं कहता हूं कि किसी भी देश के प्रधानमंत्री की आलोचना करना देशद्रोह नहीं हो सकता। हमको भी अभ्यक्त की आज़ादी मिली हुई है, हमें भी सच बोलने का अधिकार है। सरकार तो सच नहीं बोलती लेकिन हम तो कम से कम सच बोल ही सकते हैं। राष्ट्र जागरण धर्म हमारा फर्ज निभाना काम है। व्यर्थ प्रशंसक नहीं किसी के, नहीं चाहिए दाम है। सच कहने का मादा रखते हम केवल सच बोलेंगे। होता है तो हो जाने दो, बेशक काम तमाम है। लोग मुझसे कहते हैं कि आप प्रधानमंत्री जी की आलोचना करते हैं, आपको डर नहीं लगता? हमने कहा भाई डर क्या लगता है, डर किस बात की है? जो भी यहां आए हैं एक दिन उन सबको जाना है। कोई भी आदमी यहां अमर होके तो नहीं आया हुआ है, वो क्या करेंगे भाई? ज्यादा से ज्यादा कहेंगे भाई जेल में डाल देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। हम कभी हैं हुंकार भरेंगे, हम कभी हैं हुंकार भरेंगे। गलत हुआ प्रतिकार करेंगे,
तलवारों की नहीं जरूरत, तेज लेखनी धार करेंगे। ताकतवर सबसे अधिक सबसे पैनी धार, कर सकती जो लेखनी कहां करे तलवार। मित्रों, इन सबके अलावा मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि हमारे देश में जितनी भी समस्याएं हैं, सारी समस्याओं का एकमात्र कारण गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति है। हमारे देश में जो सरकारों का गठन होता है वह गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति से होता है। जैसा कि आप लोग खुली आंख से देख रहे हैं, आपको तुरंत का एग्जाम्पल दे रहा हूं, बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले आपने देखा होगा कि बहुत सारे विधायक और बहुत सारे सांसद टीएमसी को छोड़कर भाजपा में चले गए। क्या आप जानते हैं क्यों चले गए? उनके जाने का एकमात्र कारण है ईडी, डीआरआई, आईटी, इस तरह की सरकारी संस्थाएं जिनका भय दिखाया जाता है कि अगर आप हमारी तरफ नहीं आए तो आपके ऊपर केस कर दिया जाएगा। कुछ लोग डर जाते हैं, डर के अगल अलग हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं डरते, वो अड़े रहते हैं। तो सरकार के पास जो संवैधानिक शक्तियां, हमारे 40 किसानों पर भी एनआईए का नोटिस भेजा गया था, मैंने सुना था, अखबारों में पढ़ा था, लेकिन ये हमारे धरती पुत्र उसके बाद भी सीना तान कर खड़े रहे। अगर सरकार के गुरूर को कोई तोड़ सकता है तो हमारे धरती पुत्र ही उनके गुरूर को तोड़ेंगे। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, सरकार को झुकना ही पड़ेगा। दूसरे जो मैं आपसे कह रहा था मित्रों कि हमारे को ऐसा लगता है कि हम इस देश के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि हम देश के सबसे बड़े लोकतंत्र सिर्फ नाम के लिए हैं। हमारे देश में जो सरकारें बन रही हैं वो हमारे और आपके वोटों के बहुमत से नहीं बन रही हैं। हमारे देश में जो सरकारें बन रही हैं वो सदस्यों, सांसदों और विधायकों के बहुमत से बन रही हैं। हमारा कहने का मतलब यह है कि हमारे देश का जो सांसद है, विधायक है, वो मतदाताओं के बहुमत से चुना जाता है, लेकिन जब सरकार बनाने का समय आता है तो वहां पर सदस्यों की गिनती की जाती है। जिस दिन हमारे देश में सरकार बनाने के लिए सदस्यों की गिनती नहीं होगी, मतदाताओं के वोटों की गिनती होगी, देश की ज्यादातर समस्याएं समाप्त हो जाएगी। आज जो सरकार बन रही है वो भ्रष्ट बहुमत की सरकार है, और जिस दिन सरकारें सत्य बहुमत की बनेगी, देश की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। ये दुर्भाग्य की बात है कि एक आम आदमी समझता है कि सत्य बहुमत क्या है, भ्रष्ट बहुमत क्या है, लेकिन हमारे नेता नहीं समझ पाते। आज नहीं तो कल वे समझ जाएंगे। मैं इतना कहना चाहूंगा कि आज नहीं तो कल निकलेगा, हर मुश्किल का हल निकलेगा। कोशिश करते रहिएगा तो पत्थर से भी जल निकलेगा। और गठबंधन सच मानिए जड़ है भ्रष्टाचार, गठबंधन सच मानिए जड़ है भ्रष्टाचार, सत्य सत्य बहुमत रहा बाकी सब बेकार। धन्यवाद।